जरूरी नहीं कि हर खोज जानबूझ के किया जाए, कुछ रहस्यमय चीजें अपने आप भी सामने आ जाती हैं। आज हम आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहे हैं वो अमेरिका के शहर निवाडा में हुई थी, जहां रहने वाले एक किसान के साथ कुछ अजीब हुआ। उस किसान से अनजाने में एक ऐसी खोज हो गई जिसने आज भी लोगों को हैरान कर रखा है। दरअसल 60 के दशक में एक किसान अपने बंजर खेत में खेती करना चाहता था, जिसकी सिंचाई के लिए उसने बंजर रेगिस्तान में मौजूद अपने खेत को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन पानी का स्तर जमीन से काफी नीचे होने के कारण उसे उस गड्ढे को काफी गहराई तक खोदना पड़ा। काफी मेहनत के बाद किसान को सफलता मिल गई, लेकिन साथ ही साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या भी आकर खड़ी हो गई। दरअसल खुदाई के बाद जमीन से पानी तो निकला, लेकिन वो पानी लगभग 200 डिग्री पर खौलते जैसा था। किसान ये सब देखकर बहुत डर गया और अपने खेत को छोड़कर घर वापस आ गया। समय के साथ उसके दिमाग से ये घटना निकल गई थी। बताया जाता है कि उस गर्म पानी के गड्ढे ने धीरे धीरे बेहद खूबसूरत रूप ले लिया। इसके कुछ साल के बाद जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो यह खबर कुछ शोधकर्ताओं के पास पहुंची। 1964 में ये शोधकर्ता अपनी टीम और बेहतरीन ड्रिलिंग टेक्निक के साथ में उस जगह पर पहुंचे, लेकिन यह टीम भी पानी के अत्यधिक गर्म होने के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसके कुछ दिनों के बाद इस गर्म पानी में मौजूद मिनरल्स ने रंग बिरंगे पहाड़ का रूप ले लिया, जिससे गर्म पानी निकलता है। आज इस जगह को फ्लाई गीजर के नाम से जाना जाता है। If you find our video interesting, don't forget to like and subscribe.